हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज की इस कमाल की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस कमाल की वीडियो में आप सबको पिक्सआर्ट के 3 अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्रिक नंबर 1 पे बताने वाला हूँ। अगर आप बैकग्राउंड डाउनलोड करते हो कहीं से, उसका पिक्सल फट जाता है अगर आप अपना फ़ोटो ऐड करते हो उस बैकग्राउंड पे। तो गाइस सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस जैसे बैकग्राउंड ऐड कर लिया हूँ, तो गाइस मैं ऐड फ़ोटो पे जाके अपना कोई भी फ़ोटो एक ऐड करूँगा, जो कटआउट फ़ोटो होगा उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, कटआउट फोटो में जाके ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो इसको मैं डन कर देता हूँ। तो गाइस इसका मैं पिक्सल दिखाता हूँ आपको कितना फट चुका है। तो गाइस इसको आपको ठीक करना है, तो इसको आप लोग को जाना है टूल्स पे, उसके बाद रिसाइज का ऑप्शन होगा, रिसाइज पे जाना है और इस पर 4x5 लिख देना है। गाइस टाइप करने पे, रिसाइज कर देने पे आपको दिखेगा कि मेगा पिक्सल कितना है। तो गाइस उसको रिसाइज करके मेगा पिक्सल देख सकते हो, 2363 3554। तो आप भी ऐसे करेगा तो आपका फ़ोटो का रिसाइज करने से पता चल जाएगा कितना पिक्सल है, और रिसाइज करके आप टाइप कर देना, उसके बाद अपना फ़ोटो ऐड करना गाइस। तो आपका फ़ोटो डेफिनेटली, आपका फ़ोटो में कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होगा अब जो क्रॉप फ़ोटो अपना डालोगे, देख सकते हो गाइस। आई होप आपको इस ट्रिक पे कुछ सीखने को मिला। तो चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। सो गाइस ट्रिक नंबर 2 में बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो को इरेज करते हो, मतलब कटआउट करते हो, तो उसका क्वालिटी लॉस हो जाता है। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कटआउट टूल से अगर आप इरेज करोगे अपने फ़ोटो को, तो गाइस आपका क्वालिटी लॉस नहीं होगा। तो मैं अपना फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ कोई भी। सो गाइस मैं नीचे हूँ, तो मैंने इस फ़ोटो को ऐड कर लिया गाइस। तो ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, कटआउट टूल पर जाना है। सो गाइस नीचे देख सकते हो, नीचे एक कटआउट टूल का ऑप्शन है, तो कटआउट टूल पे जाना है। उसके बाद आप लोग, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे पर्सन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ तो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। तो गाइस अगर आप ऐसे सेव करना चाहोगे तो आपका पिक्सल बहुत फट जाता है साइड से, और क्वालिटी लॉस हो जाता है अपने फ़ोटो का, देख सकते हो जूम करने से क्वालिटी लॉस हो चुका है फ़ोटो का। तो गाइस इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सो गाइस कटआउट टूल पे आप लोग को जाना है, उसके बाद पर्सन पे क्लिक करना है, और जितना होगा आप साइड से अपने हिसाब से सही से हार्डनेस करके आप कर लेना गाइस। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आपका क्वालिटी लॉस नहीं होगा फ़ोटो का। तो गाइस ऐसे करके आप ऐसे ही 100% हार्डनेस करके पेंट कर लेना गाइस अपने फ़ोटो का। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है गाइस, पेंट कर लेना है। तो उसके बाद आप लोग को रिस्टोर वाले पे जाना है, और साइड साइड से लाइन ड्रॉ कर देना है, देख सकते हो गाइस साइड साइड से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपका पिक्सल नहीं फटेगा। तो ड्रॉ करने के बाद आप लोग को सेव कर देना है। सो गाइस सेव होने में टाइम लग रहा है, तो सेव हो चुका है, देख सकते हैं। अब देखोगे तो पिक्सल मेरा थोड़ा सा भी क्वालिटी लॉस नहीं हुआ है फ़ोटो में, और जहाँ पे मैंने किया उस जगह पे हार्ड किया उस जगह पे थोड़ा सा भी पिक्सल नहीं गया, देख सकते हो गाइस। तो गाइस आप भी ऐसे कर सकते हो, और क्या करना है उसके बाद आप लोग को जाना है ड्रॉ टूल्स में, ड्रॉ टूल्स पे जाना है, और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इरेज कर देना है साइड साइड से गाइस। तो ड्रॉ टूल सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इरेज का ऑप्शन, सो गाइस लेयर पे जाएंगे और सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ही को, और साइड साइड से इरेज कर लेते हैं, देख सकते हो। इसके बाद अपना फ़ोटो को आप लोग को सेव कर देना है गाइस ऊपर से, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को सेव कर देना है। तो चलते हैं गाइस ट्रिक नंबर 3 की तरफ। सो गाइस ट्रिक नंबर 3 सबसे स्पेशल ट्रिक है। तो गाइस इस ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ रिमूव टूल के बारे में, जो गोल्ड वर्जन में आता है। सो गाइस आप गोल्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो गूगल से कहीं भी, मोड एपी के लिख के। सो गाइस रिमूव टूल आपका नेट से यूज़ होता है। तो गाइस इसको आप किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट पे प्रेस करके पेंट कर देना, और रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो गाइस आपका पर्सन या कोई भी चीज़ रिमूव हो जाएगा सब्जेक्ट। सो गाइस देख सकते हो, इसके बाद आप लोग को रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो
आराम से रिमूव हो जाएगा। मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखाता हूँ गाइस, इसको रिमूव करके सारे पे मैं पेंट कर लेता हूँ और सबको रिमूव कर देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा तो सारा मेरा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा गाइस। एक देख सकते हो गाइस, पूरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा निकल, इसको भी हम लोग ठीक से क्लियर कर लेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे टिंट शिफ्ट ब्लर पे और इसको ब्लर कर देंगे गाइस, और इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे और हम लोग का एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो, इसको 6% पे रखेंगे, इसको डन कर देंगे। सो गाइस देख सकते हैं बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसे कई नई वीडियो पे गाइस, टेक केयर, बाय।